11 चैन हमने बना ली फ्रेंड्स। अब फिर एक चैन छोड़कर दूसरी चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसी चैन में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पांच डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब हम इस धागे को यहीं पे छोड़ेंगे और पहली चैन में से इस धागे को अंदर लेके आएंगे ऐसे। अब इस धागे को हम खींचेंगे और क्रोशिया को खींचेंगे इस तरह से। ये बंद हो गया, ये डिज़ाइन बन गया, देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है ये। अब फिर 11 चैन बनाएंगे। चैन हमने बना लिए। फिर हमने इसी तरह एक चैन को छोड़कर दूसरे नंबर वाली चैन डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। धागे को हमने वहाँ पे छोड़ दिया। अब हम इसे अंदर लेके आएंगे पहली चैन में इस तरह से, खींच के बंद कर देंगे। अब फिर 11 चैन बनाएंगे। 11 चैन हमने बना लिए। अब फिर इसी तरह 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 5 डबल क्रोशिया बना दिए। अब फिर हम धागे इधर ही छोड़ेंगे इस तरह। पहली चैन में से इस धागे को हम अंदर लेके आएंगे, खींच के बंद कर देंगे। अब यहाँ से हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4, और पत्ते की हम कटिंग करेंगे ताकि इसकी नोक बन सके। अब इन चारों धागों में से हमने एक ही दफ़ा धागा निकालना है ऐसे। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा जो पत्ता है बन गया है। अब फिर 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और 2 चैन छोड़कर तीसरे नंबर वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह 5-5 चैन हम बनाते जाएंगे। पांच चैन हमने बना ली। अब फिर 2 चैन छोड़कर तीसरे नंबर वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा जाल जो है बनता जाएगा। फिर 5 चैन, और अब इस पत्ते की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4,
ये जो 10 सिंगल क्रोशिया हमने बनाए हुए हैं, पहली चैन छोड़कर दूसरी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन में से, फिर 11 चैन बनाएंगे। चैन हमने बना ली, फिर डबल क्रोशिया एक चैन छोड़कर दूसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हमने बना लिए, अब इस धागे को यहीं पे छोड़ेंगे और पहली चैन में से इस धागे को हम अंदर लेके आएंगे, इस तरह से खींच के बंद करेंगे और फिर 11 चैन बनाएंगे। 11 चैन हमने बना लिए, अब फिर एक चैन छोड़कर दूसरे नंबर की चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को हम यहीं पे छोड़ेंगे, पहली चैन में से इस धागे को हम अंदर लेके आएंगे ऐसे और खींच के बंद कर देंगे। फिर 11 चैन, हमने बना ली, फिर एक चैन छोड़कर दूसरे नंबर की चैन में हम पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन में, धागे को यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर पहली चैन में से इसको अंदर लेके आएंगे और ऐसे खींच के बंद कर देंगे। फिर 11 चैन बनाएंगे, 11 चैन हमने बना ली, फिर हम पांच का डबल क्रोशिया बनाएंगे आखिरी चैन में। 11 चैन, 11 नहीं 4 चैन बनानी है हमें, 4 चैन बनाई और फिर पत्ते की कटिंग की। चारों धागों में से हम एक बार ही धागा निकालेंगे इस तरह से, अब पांच चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5,
और फिर दो चेन छोड़कर तीसरे नंबर वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। इसी तरह हम दो चेन छोड़कर तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, फिर पांच चेन बनाएंगे। पांच चेन हमने बना दी। अब फिर हाफ रेशे यहाँ से हम बनाएंगे, तीन चेन इन तीनों चेनों में से हमने हाफ रेशे बनाना है और फिर एक साथ चारों में से धागा निकाल देना है इस तरह। चार चेन बनाऊंगी, एक दो तीन चार, और इसी तरह जैसे कि हमने पहले बनाए हैं एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया, इस तरह इसी में भी बनेगा। हम धागा यहीं पे छोड़ देंगे और इसको फिर पहली चेन में लाकर खींचेंगे, इसे बंद कर देंगे। फिर 11 चेन फिर इसी तरह एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने ये सीख लिया, अगर कुछ बना दिया तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। और लाइक भी कर दिया करें, लाइक करने से कुछ नहीं होता, कुछ लोग हैं जो देखकर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अगर इतनी मेहनत कोई करता है तो एक लाइक तो बनता है ना। अब पाँच क्रोशिए हम यहाँ पर बनाएंगे, फिर पांच क्रोशिए हमने बना दिए। अब इस धागे को यहीं पे छोड़ेंगे और पहली चेन में से इसको हम अंदर लेके आएंगे ऐसे, और खींच के इसको बंद कर देंगे, ये देखिए। और फिर 11 चेन बनाएंगे, आपको जोड़ना सिखाऊंगी कि हमने इसको आपस में जोड़ना कैसे है। इसके साथ अगर आप इसे बना लें तो इनको आपस में जोड़ना कैसे है, तो चलिए मैं आपको ये बता दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब जो ये हमने 11 चेन बनाए हुए हैं, पांच चेन हमने बनाए, वो फिर हमने इसको स्टिच कर दिया। अब फिर पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और फिर एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे पांच बार। पांच बार डबल क्रोशिया बना दिया। चेन को हम धागे को उधर ही छोड़ेंगे, तो चेन में से इसको अंदर लेके आएंगे और बंद करेंगे।
पांच चैन बनाएंगे, पांच चैन हमने बना लिए। अब हम फिर जो 11 चैन हैं इनमें से इसको स्टिच करेंगे ऐसे, और फिर पांच चैन बनाएंगे और ये इसी तरह हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसको बंद करेंगे, फिर पांच चैन बनाएंगे, पांच, पांच चैन हमने बनाए। और ये जो 11 चैन हमने बनाए हुए हैं इनमें हम इसको फिर इस तरह स्टिच करेंगे और फिर पांच चैन बनाएंगे, पांच चैन हमने बना लिए। फिर इसी तरह हम एक चैन छोड़कर दूसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चैन में हम। पांच डबल क्रोशिया बना दिए, अब तो आगे को यहीं पे छोड़ देंगे और फिर इसको अंदर लेके आएंगे और बंद करेंगे। अब फिर पांच चैन बनाएंगे, पांच, और अब जो हमने चार चैन बनाई हुई है इन चारों चैनों में दो एक चैन छोड़कर दूसरे नंबर वाली चैन में हम इसको स्टिच करेंगे और फिर पांच चैन बनाएंगे, पांच, और फिर इसको हम पत्ते की कटिंग करेंगे। ऐसे इस तरह से फिर अब तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन। और ये जो हमने पहले पांच चैन बनाए थे, खाने बनाए थे, दो छोड़कर तीसरी चैन में हम इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन। और ये जो पांच चैन हैं दो छोड़कर तीसरी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन। और फिर इसी खाने में हम जो पांच चैन बनाई हुई है दो छोड़कर तीसरी चैन में हम इसको स्टिच करेंगे। फिर तीन चैन बनाएंगे और दो चैन छोड़कर तीसरी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीन चैन, इसी तरह दो चैन छोड़कर तीसरी चैन में हम इसको स्टिच करेंगे। फिर तीन चैन और फिर इसी तरह दो चैन छोड़कर तीसरी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीन चैन बनाएंगे, ये जो हमने पांच पांच चैनें बनाई थी, खाने बने थे, इन्हीं में हमने इसको जोड़ना है आपस में। फिर तीन चैन, इन चारों धागों में से
हम एक दफा धागा निकालेंगे ऐसे, फिर तीन चेन, अब हमने ये जो चार चेन बनाए थे इनमें से एक छोड़कर दूसरे में स्टिच करेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे और इस तरफ एक चेन छोड़कर दूसरे में इसको स्टिच करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और ये जो 11 चेन हैं इनमें स्टिच करेंगे, फिर पांच चेन बनाएंगे, पांच और एक चेन छोड़कर दूसरे नंबर वाले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन में। इस राउंड में सारे पांच पांच जो हैं क्रोशिया बनते हैं। फिर पांच चेन और फिर इस तरह स्टिच, फिर पांच चेन, एक चेन छोड़कर दूसरे नंबर वाली चेन में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, हम पहली चेन में इस धागे को अंदर लेके आएंगे और बंद कर देंगे, फिर पांच चेन बनाएंगे और फिर 11 चेन में इसको स्टिच करेंगे। अब इसके बाद फिर पांच चेन, फिर यहाँ पे हम पांच थंब बनाएंगे डबल क्रोशिया, पांच चेन बनाएंगे, ये जो 11 चेन हमने बनाई थी इसमें हम इसको स्टिच कर देंगे और फिर पांच चेन बनाएंगे। ये हमारी आखिरी जो है बनेगी, पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स इस तरह ये आपस में जुड़ेगी, ठीक है इस तरह से ये खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। अब जैसे कि आप और टिक्के बनाएंगे तो फिर यहाँ पे इसके साथ अटैच करेंगे तो तब जाके ये कंप्लीट होगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कल तक के लिए, कल फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।